इधर भी कचरा और उधर भी कचरा। मैं इस कचरे से तंग आ गई हूँ, आखिर क्या करें इस कचरे का। हाँ यार, आप ही क्या, आपको इस कचरे का हल समझ आता है? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया, हमारे मुल्क, हमारे शहर, हमारे इलाके, हमारी गली और यहाँ तक कि हमारे घर के अंदर प्लास्टिक का कचरा बढ़ते से बढ़ता चला जा रहा है। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं वो पैकेजिंग में आती है, हम कोई भी चीज़ बेचते हैं हमें उसको प्लास्टिक में पैक करके बेचना पड़ता है। लेकिन ये प्लास्टिक का कचरा जो है, जब इसका यूज़ हो जाता है तो ये आखिरकार फेंकती है, ये डस्टबिन या कचरा कुंडी या इधर उधर फेंकती है, ये रिसाइकल बहुत कम होती है। और अगर प्लास्टिक को देखा जाए कंपोज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है नेचुरली तो। और जो दूसरा तरीका है जो अमूमन लोग अपनाते हैं, इसको जलाकर, जो कि मतलब उल्टा और नुकसान दे क्योंकि वो एनवायरनमेंट आपका पोल्यूट कर रहा है। तो इस मसले को रोकने के लिए हम लोग ने एक सलूशन ढूंढा है, बल्कि मैंने क्या ढूंढा है, कई सारे लोगों ने ढूंढा है, लेकिन हो सकता है इस वीडियो से और लोगों तक वो सलूशन पहुंचे। तो जनाब वाला पेश है इको ब्रिक। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल गया है कि इको ब्रिक प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए यूज होती है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ प्लास्टिक के रैपर्स डाल सकते हैं, जैसे चॉकलेट, टॉफी वगैरह वगैरह के हम रैपर्स इसके अंदर स्टफ कर सकते हैं। ये जब पूरी स्टफ हो जाती है और जब इतनी हार्ड हो जाती है कि और दब ना पाए, तो ये पूरी एक इको ब्रिक बन जाएगी। इको ब्रिक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनवायरमेंट को साफ करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको इसका करना क्या है, तो करना कुछ ये है कि आप अपने इर्द गिर्द सर्च करें कुछ ऐसे इदारों को जो इन बॉटल्स को एक्सेप्ट करते हो और उनके बदले एक प्लांट देते हो या कोई और चीज़ देते हो, और उसके बरक्स आप जो है इनसे अपने लिए कोई चीज़, ये जैसे फर्नीचर या कोई चीज़ बना सकते हैं, मसलन कोई कुर्सी हो गई, कोई बेड हो गया, क्योंकि ये तो एक ब्रिक की तरह है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने इन्वायरमेंट को साफ रखेंगे विद द हेल्प ऑफ इको ब्रिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। खुदा भाई, बात तो ठीक करना है, चलो क्यों ना ट्राई करें। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है इन रैपर्स को धोना है और फिर सुखाना है। तो हमारे रैपर्स अच्छे से धुल चुके हैं, अब इनको सुखाना है। तो अब हम जा रहे हैं स्टफिंग के लिए। धोने के बाद और सुखाने के बाद हमने इसको लंबा लंबा रोल करके बॉटल के अंदर स्टफ करना है। हाँ, और एक और चीज, आप कोई ट्वीजर या कोई डंडी स्टफिंग के लिए यूज कर सकते हैं ताकि आपका रैपर अंदर तक जा सके। अब ये हमारी स्टफ हो गई है और देखिए हमारी इको ब्रिक कितनी हार्ड हो गई है, अब ये दब भी नहीं सकती और ये हमारी इको ब्रिक रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले और आप उससे अपनी एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।